हाँ जी, ये चलती अपनी गाड़ी, बताता हूँ आज का क्या टॉपिक है। आ रहा हूँ, वीडियो बना के 10-15 मिनट। किवाड़ लगा लियो। हाँ जी, तो वीडियो स्टार्ट है। हमारी आज का टॉपिक है कि पहली सर्विस के बाद हमारी एक्टिवा कितनी टॉप स्पीड भागती है, क्या इंक्रीज होती है स्पीड या नहीं। और ये देखो, जूते स्पेशल दुबई से मंगाए गए हैं, पीले रंग के जूते। उससे पहले बस मुझे एक काम है, वो काम है कि मुझे एक वीडियो अपलोड करनी है। उसके लिए मुझे 5 से 10 मिनट दीजिए। छत पे जाना पड़ेगा भाई की, 5G नेटवर्क आता है अच्छा। बस थोड़ी देर में वीडियो डाल के फिर चलते अपनी वीडियो बनाने। हाँ तो भाई, आ गए हम वीडियो डाल के। अभी मैं शिवा को भी लेके जा रहा हूँ और अभी बताता हूँ बस टॉपिक आज का ढंग से ठीक से चल। तो आज का टॉपिक है, हमें मैंने जैसे अभी बताया था, शायद याद आया मुझे, हाँ, कि पहली सर्विस के बाद कम से कम 1 महीना स्कूटी चल गई है। बोलते हैं ना, सर्विस के बाद स्पीड खुलती है, तो देखते हैं हम कि फर्स्ट सर्विस के बाद स्पीड इंक्रीज होती है नहीं होती है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो शिवा को मैं उतार दूंगा जिस टाइम पे, स्पीड चेक करूंगा, वरना दो, वैसे तो वजन बहुत है ही नहीं उसके अंदर, मेरे अंदर ही 2 लोगों का वजन है। तो उसको उतार दूंगा मैं जिस टाइम पे चेक करूंगा। 5-10 मिनट लगेंगे सिर्फ चेक करने में, फटाफट से स्पीड चेक कर लेंगे। पहले ये इसी को जान लो, एरोप्लेन सा लग रहा है। आऊंगा कहाँ से रे, वापस घूम कर आना पड़ेगा है? क्योंकि डासनी तक जाना पड़ेगा मुझे, इतने हो जाएगी वीडियो अपलोड। टाइम क्या हो रहा है? 5:33। आ जाऊंगा मैं 10 मिनट में है? लो जी दोस्तों, तो मैंने उसको खड़ा कर दिया। एक और वीडियो अपलोड हो रही थी, जो वीडियो मैंने लगाई थी उसका भी कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ था, बाकी थी। तो अभी हम चल रहे हैं, अब पता नहीं सामने से दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या सामने से, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत तगड़ी पड़ रही है, पर हम फिर भी टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तो नहीं कर पाऊँगा, मसूरी वाले पुल पे चढ़ूँगा, वहाँ पे करूँगा। ठीक है, अब मुझे कम से कम स्पीड चेक करने 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 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, टोटल 10 किलोमीटर घूम जाऊँगा अब मैं सोच रहा हूँ उस साइड से आते हुए करूँगा मैं, जैसे कि मैं फिर दूसरी साइड घूम जाऊंगा तो सूरज की रोशनी इतनी पड़ेगी नहीं और यहाँ पे क्लियर दिखेगा। एंड चलने में मुझे भी सामने से रोशनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा वाइजर एकदम क्लीन है, जिसकी वजह से अंदर आंखों को प्रोटेक्शन पहुँचता नहीं है, मतलब प्रोटेक्ट रहती ही नहीं है, वो रोशनी पड़ती है तो आँखें पूरी खुलती नहीं है। मैं यहीं पर चेक कर दूंगा ये तो 80 तो मैं इधर ही चला रहा हूँ। तो मसूरी पहुंच गए हैं हम 1 मिनट के अंदर। अगला स्टॉप आएगा हमारा डासना, डासने से हम यू टर्न लेके, डासने से मैं यू टर्न लेके फिर जो है कि वापस आएंगे फिर हम। तो देखो, यहाँ से मुझे जाना है नीचे से, और गाड़ी इतनी गलत जगह पे खड़ी की हुई है, पता ही नहीं चल रहा है यहीं से नीचे जा रहा रोड या आगे से। तो इधर से मेरे को यू टर्न लेके वापस जाना है, फिर हम अपनी स्कूटी भगाएंगे बिंदास। रोड भी देखना पड़ता है ना कहाँ पे, क्योंकि देखो जिस रोड पे हम चलाते हैं ना, वहाँ की नॉलेज रहती है हर किसी इंसान को कि किस टाइप का ट्रैफिक मिलेगा, कैसा रोड है, तो वो सारी जानकारी रहती है। तो ये एकदम ठीक रोड है, थोड़ा सा ट्रैफिक होगा पर उसी पैच में भगाएंगे हम जिस पैच में ट्रैफिक कम होगा, और मुझे पता है वो किस तरफ होगा। तो लो जी, यू टर्न मार दिया, बस यहाँ से निकल जाए, उसके बाद अपनी स्कूटी की रेल बना देंगे।
अभी क्लियर दिख रहा होगा ना, एकदम धूप नहीं है, मतलब सामने से नहीं पड़ रही धूप। पर ये जो रोड जा रहा है पेरीफेयर, इसको क्रॉस करते ही हम फिर एक फ्लाईओवर पड़ेगा मसूरी वाला, उस पर हम भगाएंगे। भगा तो हमने यहाँ भी रखी है, भाग गया कद्दू भगाएंगे फिर। 80 तो देखो आराम से चलती, बिल्कुल आराम से चलती, कोई लोड नहीं पड़ता इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर भगाएंगे तो फिर आवाज आने लगती है वो। ले भाई ऑटो के ऊपर गाड़ी, थ्री व्हीलर के ऊपर फोर व्हीलर, बहुत तगड़े। और यार वहां ना ऐसा पैच जा रहा है, एकदम झुंड सा जा रहा है, तो वहां ब्रेक मारना पड़ेगा। पहले इससे निकाल लेते हैं आगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हम। बस इस ट्रक से निकलते स्टार्ट कर दूंगा। वन टू थ्री, तो भाई मैंने पूरा एक्सीलेटर खींच दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कहां तक जाएगी। 80 कूद गई है, 90 पहुंच गई, 95, और यहाँ तो कम होगी देखो, क्योंकि ऊपर चढ़ानी पड़ रही है स्कूटी हमें। और हम पहुंच गए जिंदल। ठीक है भाई लोग, तो स्पीड इसकी गई है 95 क्लियर। ठीक है, और थोड़ा सा ही समय लगता है, ज्यादा समय भी नहीं लगता स्पीड को पकड़ने में। कितनी 95 गई है प्रॉपर। अभी मैं लास्ट वीडियो में चेक करके बता दूंगा, उसके बाद ही मैं वीडियो ख़त्म करूंगा कि कितनी हमारी लास्ट वीडियो की स्पीड, लास्ट मतलब लास्ट वीडियो में स्पीड गई थी पहली सर्विस से पहले। ठीक है, अब हमें यहाँ से एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि शिवा खड़ा उधर उस साइड बिल्कुल इधर, तो हमें यू टर्न लेके आना पड़ेगा घूम के। और भाई अगर ऐसी स्कूटी भगाओगे ना तो एवरेज नहीं देगी बाइक जितना भी, मैं सच बता रहा हूँ। एवरेज निकालने के लिए बहुत रूल्स के साथ चलानी पड़ेगी स्कूटी, रूल्स मीन्स स्पीड एकदम मेंटेन करके। बस ये ले लिया हमने यू टर्न जिंदल पे, और यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है शिवा। कहाँ खड़ा हुआ है, मैंने इधर उतारा था वहां खड़ा हुआ। क्या कितनी हुई टाइम, क्या हो रहा है? हाँ जी, तो मैंने चेक करी है वीडियो, पुरानी वाली जो वीडियो थी उस वीडियो पे ना कितने 5.5 के व्यूज़ आए हैं, तो इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि एक बार सर्विस के बाद भी टॉप स्पीड चेक करनी चाहिए। तो इसकी टॉप स्पीड क्या आई है अब की बार, जो 95 आई है, ठीक है, पूरी 95 है। और जो पिछली वाली वीडियो थी उस पर आई थी 90 की स्पीड चली थी, टोटल टॉप 90 पहुंची थी, और अभी पहुंची है 95। ठीक है, तो फ़र्क तो है देखो, सर्विस के बाद 5 पॉइंट बढ़ गई है, तो इतना फ़र्क है। बाकी मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा पहले वाली वीडियो का इसी में नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ये वीडियो तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। बेसिकली टॉपिक यही था कि स्कूटी की हमें स्पीड चेक करनी थी। ठीक है, स्कूटी की हमें स्पीड चेक करनी थी कि कितनी स्पीड अभी भागेगी पहली सर्विस के बाद, और पहली सर्विस को भी टाइम हो गया है। टाइम हो गया है कितना, कम से कम 1 महीना लगभग हो गया है। ठीक है, तो 1 महीने के बाद इतना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एकदम भी भगाएंगे सर्विस के बाद इतनी भी एकदम पावर नहीं आ जाएगी कि स्कूटी में इतने चेंजेस आ जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ी सी यूज़ करी है उसके बाद मैंने चेक करी है। तो वीडियो इतनी है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और एक और चीज़ बता देता हूँ, वीडियो में जो ये स्कूटी है, ये स्कूटी है 110cc की 6G। ठीक है, तो अब जिसके पास भी होगी उसको पता चल जाएगा। बाकी ये वीडियो देख रहे हो उसके लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते रहो पीते रहो मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी। मिलेंगे ऐसी एक अच्छी सी बढ़िया सी नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।